दोस्तों, यम स्क्वेयर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक सीएसएस की नई प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना था बैकग्राउंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ पे जाकर वो वीडियो चेक करिए। अगर आप HTML CSS को कम्प्लीट सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल में आने वाले तमाम वीडियोस को ज़रूर देखिए। अगर आप अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं CSS में पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में। ये पोजीशन क्या है, ये किस लिए यूज़ करते हैं, चलिए हम देखते हैं। पोजीशन प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं एक HTML एलिमेंट के पोजीशन को सब स्पेसिफाई करने के लिए। मतलब एक HTML एलिमेंट है, समझिए एक इमेज है, वो इमेज कहाँ पे रहे HTML पेज के अंदर, उसे और वो किस जिस पोजीशन में रहे वो वहीं पर रहे या हम पेज चेंज करने पर चेंज हो जाए, वो क्या है, उस तरह का हम सेट करने के लिए हम पोजीशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ये पोजीशन प्रॉपर्टी एक ऑप्शन है सेट करने के लिए मार्जिन हम यूज करते हैं। मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप, इस तरह से हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। लेकिन जब हम पोजीशन प्रॉपर्टी ये यूज करेंगे, एक एलिमेंट के अंदर पोजीशन प्रॉपर्टी ऐड करेंगे तो मार्जिन काम नहीं करेगा। मार्जिन के अलावा हम टॉप राइट बॉटम लेफ्ट ये प्रॉपर्टीज को हम यूज करेंगे। ये प्रॉपर्टीज सिर्फ पोजीशन के साथ ही हम यूज करेंगे। टॉप पोजीशन के अगर हम सब्सक्राइब किए हैं, पोजीशन की वैल्यू दिए, पोजीशन दिए हैं हम, तो उसके बाद हम अगर वो उसका लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कहाँ पे रहे वो एलिमेंट का, इसके लिए हम ये यूज करेंगे, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट ये यूज करेंगे। मार्जिन नहीं यूज कर सकते, वो यूज भी करेंगे तो वर्क नहीं करेगा जी। ये थे पोजीशन। पोजीशन प्रॉपर्टी के पांच वैल्यूज आते हैं, एक है स्टैटिक, एब्सोल्यूट, फिक्स, रिलेटिव, स्टिकी। ये अब चलिए हम आगे देखते हैं प्रैक्टिकली ये क्या होते हैं, ये हर एक वैल्यू देने की वजह से किस तरह से चेंजेस आते हैं। यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी HTML पेज मैंने क्रिएट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक जनरल HTML पेज है। इसके लिए मैंने आप कोड यहाँ पे चेक करिए मैंने क्या कोड दिया है। देखिए बॉडी के अंदर एक H1 टैग मैंने यूज़ किया है, उसके बाद एक डिवीजन है, डिवीजन के अंदर दो पैराग्राफ लिखे, वो डिवीजन के अंदर ही मैंने और एक डिवीजन भी लिया है, यहाँ पे डिवीजन उसके अंदर कुछ डेटा नहीं है। उसके बाद ये डिवीजन्स क्लोज हो गए हैं दोनों, उसके बाद और एक डिवीजन मैंने यहाँ पे दिया है। इसका आउटपुट है इस तरह से, यहाँ पे देखिए ये रेड बॉर्डर का जो फर्स्ट एक रेक्टेंगल है ये एक HTML का एक डिवीजन है, उसके अंदर ये और एक डिवीजन है ग्रे कलर में जो दिख रहा है आपको, और उसके नीचे ये अलग डिवीजन है इस तरह से। अब चलिए हम इसे पोजिशन प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। नॉर्मली मैं फर्स्ट आपको बताता हूँ मार्जिन किस तरह से यूज करेंगे। देखिए मैंने इसे ये सिर्फ डिवीजन डेमो क्लास, इसका नाम डेमो दिया है, इसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं है। इसके लिए मैंने CSS दिया है, इसका हाइट 200 पिक्सल है, विड्थ 300 है, बैकग्राउंड कलर ग्रे है। अब चलिए इसे मार्जिन हम सेट करेंगे। मार्जिन फॉर एग्जांपल मैं मार्जिन टॉप दे रहा हूँ, मार्जिन टॉप समझिए 30 पिक्सल, इसे सेव करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए अब मैं मार्जिन टॉप दिया, इसे रिफ्रेश करते हैं तो आप यहाँ पे चेंजेस देख सकते हैं। ये देखिए रिफ्रेश करते ही ये यहाँ पे मार्जिन टॉप से 30 पिक्सल चेंज हुआ, साथ में इसके बाद वाले डिविजन्स को भी इसका इफेक्ट पड़ा। ये बहुत कम था तो पता नहीं चला, तो चलिए मैं थोड़ा बड़ा लेके बताता हूँ, 100 100 मैंने दिया है। अब चलिए इसे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये इस डिविजन को हमने दिए हैं मार्जिन, लेकिन इसका इफेक्ट ये डिवीजन को भी पड़ेगा और उसके बाद वाले डिवीजन को भी पड़ेगा। आप देख सकते देखिए ये भी नीचे चला गया, ये डिवीजन भी नीचे चला गया, ये डिवीजन भी नीचे गया, सबके लिए इसका इफेक्ट पड़ा। इस तरह से नहीं, सिर्फ हमने जो दे रहे हैं इसके लिए चेंज होना चाहिए, बाकी का पोजीशन वो जिस जगह पे है उसी जगह पे रहे, इसके लिए हम यूज करते हैं पोजीशन। मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ, नॉर्मल। अब यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल हो गया है, ये दोनों डिविजन्स कुछ भी चेंज ना हो, सिर्फ इसके लिए ये अप्लाई हो, तो उसके लिए हम देखिए किस तरह करते हैं पोजीशन।
पोजीशन, पोजीशन की एक प्रॉपर्टी, एक वैल्यू है रिलेटिव, रिलेटिव मैंने अभी देखिए इसे रिलेटिव दिया है। अब रिफ्रेश करेंगे तो कुछ भी इसके ऊपर इंपैक्ट नहीं होगा। अब इसके साथ हम यूज करेंगे टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, ये प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, मार्जिन यूज नहीं करेंगे, वो वर्क नहीं करेगा। अब मैं दे रहा हूं टॉप, टॉप वैल्यू समझिए 100 पिक्सल दे रहा हूं। अब इससे पहले देखे थे मार्जिन टॉप देने से चेंजेस क्या हुए थे, अब मैं मार्जिन टॉप 100 पिक्सल दिया हूं, तो आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए सिर्फ इसका ये जिस पोजीशन में था वहां से 100 पिक्सल लिया है नीचे, बाकी का वो उसके ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ, वो सो अपने प्लेसेस के अंदर, अपने पोजीशन के अंदर इसी तरह है। इसी तरह से आप लेफ्ट दे सकते हैं, समझिए मैं लेफ्ट दे रहा हूं, लेफ्ट लेफ्ट भी समझिए 150 पिक्सल दे रहे हैं, 150 पिक्सल। अब इसे रिफ्रेश करेंगे, ये ऑलरेडी जिस पोजीशन में है बाय डिफॉल्ट इस पोजीशन से ये 150 पिक्सल आगे जाएगा। ये है रिलेटिव, रिलेटिव हम यूज करते हैं एक डिवीजन को पोजीशन सेट करने के लिए, ताकि दूसरे किसी भी HTML एलिमेंट पर उसका इफेक्ट ना पड़े, वो अपने पोजीशन पे ही रहे। ये था रिलेटिव हम किस तरह से यूज करते हैं, जिसे भी हम रिलेटिव देंगे वो उसी तरह से काम करेगा जी। अब चलिए मैं इसे नॉर्मल पोजीशन में लाता हूँ, देखिए मैंने इसे रिफ्रेश, नॉर्मल पोजीशन में रिफ्रेश कर देते हैं, नॉर्मल पोजीशन में। अब यूज करेंगे हम और एक प्रॉपर्टी है ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोल्यूट ये यूज कर रहे हैं। तो देखिए अब इसके लिए मैं वैल्यूज एग्जाम्पल मैं टॉप दे रहा हूँ, टॉप 100 पिक्सल दिया है। अब मैं रिफ्रेश करूंगा, आप देख सकते हैं ऑब्सोल्यूट पोजीशन देंगे तो ये क्या करेगा, ये जिस पोजीशन में है वो पोजीशन नहीं लेगा, ये बाहर आके बॉडी का जो पोजीशन होगा, बॉडी बॉडी से 100 पिक्सल ले लेगा। अब यहाँ पे है ये 100 पिक्सल लेगा, बॉडी यहाँ से शुरू हो रहा है तो वहां से 100 पिक्सल ले लिया, यहाँ से 100 पिक्सल। इसी तरह से लेफ्ट, लेफ्ट भी मैं देख के बताता हूं आपको, लेफ्ट लेफ्ट भी समझिए 150 पिक्सल दे रहा हूं, रिफ्रेश। अब आप देख सकते हैं 150 ये इस पोजीशन पे है, यहां से नहीं लेगा ये लेगा यहां से, मतलब ये बॉडी का जो आउटपुट है वहां से 150 लेके यहां पे आया। ये है ऑब्सोल्यूट, मतलब जो ऑब्सोल्यूट यूज करते हैं तो ऑब्सोल्यूट जिस डिवीजन को देते हैं वो डिवीजन अपने जो पेरेंट होगा उन सबसे बाहर आके वो बॉडी को अपना पेरेंट बना देगा, बॉडी के हिसाब से जो मेन बॉडी होगा बॉडी के पेज के हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इस तरह से ये है ऑब्सोल्यूट यूज करते हैं किस तरह से। अब इसे हम रिमूव कर देंगे, नॉर्मल पोजिशन में ये आ जाएगा, नॉर्मल पोजिशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ऑब्सोल्यूट दिए हैं इसलिए इस तरह से ले रहे, ऑब्सोल्यूट भी हम निकाल देंगे तो ये नॉर्मल जिस डिवीजन में है उस डिवीजन के हिसाब से ले रहे जी। ये था रिलेटिव किस तरह से यूज करते हैं, ऑब्सोल्यूट किस तरह से यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिक्स्ड, फिक्स यूज कर रहे हैं, ये भी एक वैल्यू है CSS प्रॉपर्टी की। फिक्स क्यों यूज करते हैं हम, ये CSS किस पोजिशन पे हो ये वैल्यू, देखिए मैं इसकी वैल्यू दे रहा हूँ टॉप 100 पिक्सल, इसी तरह से लेफ्ट 200 पिक्सल। ये अभी से रिफ्रेश करेंगे तो फिक्स के हिसाब से देखिए ये भी जनरली बॉडी के हिसाब से ही ये भी लेगा, मतलब जिस तरह से ऑब्सोल्यूट लेगा उसी तरह से ये फिक्स भी लेगा कि बॉडी को अपना पेरेंट समझेगा, बॉडी के हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज होगी। इसमें डिफरेंस क्या होगा ऑब्सोल्यूट के अंदर और फिक्स के अंदर, फिक्स मतलब ये इसी जगह पे फिक्स होगा, अगर पेज हम ऊपर नीचे भी करेंगे तो ये इस जगह से नहीं हिलेगा। चलिए मैं इसे बताता हूँ, ये पैराग्राफ का साइज समझिए, हाइट मैं इसका बढ़ा देता हूँ 500 पिक्सल, इसका साइज 500 पिक्सल कर देंगे तो ज्यादा हो गया, पेज देखिए चेंज हुआ। अगर मैं ये पेज को ऊपर नीचे करता हूं तो ये इस जगह से नहीं हटेगा, उसी जगह पे रहेगा।
देख सकते हैं यहाँ पे उसी पोजीशन पे है, वहां से वो शिफ्ट नहीं होगा, फिक्स हो जाएगा जो पोजीशन हम देंगे। अगर हम इसे बढ़ा के देंगे टॉप से 100 के, बोला मैं 300 दे रहा हूँ, तो अब देखिए रिफ्रेश करेंगे तो 300 आ जाएगा। अब इसे जितना भी पेज ऊपर नीचे कर लीजिए, इससे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इसकी वैल्यू दिए हैं फिक्स, फिक्स हो जाएगा जिस पोजीशन में हम दे रहे हैं उस पोजीशन में। इसी तरह से एब्सोल्यूट का मैंने नहीं बताया था आपको, एब्सोल्यूट की वैल्यू देके बताता हूँ। एब्सोल्यूट देंगे तो ये पोजीशन में है, लेकिन पेज चेंज होगा तो चेंज हो जाएगा, पेज चेंज होगा तो भी, अगर ये चेंज हो रहा है तो देखिए टॉप से जिस पोजीशन में आया था, लेफ्ट से जिस पोजीशन में आया था, वो जिस डिवीजन में है उसी डिवीजन के, जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन पे रहेगा, लेकिन पेज के हिसाब से आगे पीछे नहीं होगा, ये चेंज हो जाएगा। ये है फिक्स और एब्सोल्यूट के अंदर डिफरेंस। फिक्स मतलब फिक्स ही होगा, पेज चेंज करे या कुछ भी करे वहां से वो हटेगा। एब्सोल्यूट में पेज हम ऊपर कर रहे हैं तो वो भी साथ में ऊपर जाएगा, नीचे कर रहे हैं साथ में नीचे आएगा। ये था एब्सोल्यूट और फिक्स के बीच में किस तरह से यूज करते हैं। चलिए अब इसे हम निकाल देंगे। अब इसके बाद वैल्यू है स्टैटिक, स्टैटिक जी, स्टैटिक, स्टैटिक मैं आपको बाद में बताता हूँ। स्टिकी यूज करेंगे, STICKY, स्टिकी यूज कर रहे हैं। मैंने सेम टॉप लेफ्ट वैल्यूज दिए हैं, इसे सेव करके देखिए, इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये अपने पोजीशन में आए। अगर आप इसे चेंज करेंगे, स्टिकी का मतलब होगा, अब देखिए ये किस तरह से काम करता है, इसके साथ ये भी ऊपर जाएगा अपने डिवीजन के हिसाब से, लेकिन वो पोजीशन पे जाके वो रुक जाएगा और ऊपर नहीं जाएगा। और ये डिवीजन की वजह से इस तरह से दिख रहा है, मैं इसे इसका बॉर्डर निकाल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा, बॉर्डर की वजह से आपको दिख नहीं रहा है। देखिए ये स्टिकी मतलब इस पोजीशन में मैंने दिया है, अब पेज चेंज करेंगे, पेज के हिसाब से ये भी जाएगा ऊपर, डिवीजन जैसा ऊपर जाएगा उस तरह से डिवीजन जाएगा, लेकिन ऊपर जाते ही जैसे टॉप टच होगा तो वहां पे रुक जाएगा और ऊपर नहीं जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा, जेड इंडेक्स के हिसाब से उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी फिर जी। ये है स्टिकी, स्टिकी मतलब है, स्टिकी और फिक्स में डिफरेंस क्या है, फिक्स एक ही जगह है वो हटेगा नहीं, स्टिकी में क्या होगा वो हटेगा लेकिन टॉप पहुंचते ही उस जगह पे वो रुक जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा, वो वहीं पे रुक जाएगा, पेज अगर और भी ऊपर लेके जाएंगे तो वो नहीं जाएगा, वो वहीं पे रहेगा। ये है स्टिकी, स्टिकी के अंदर समझ में आएगा। एक है रिलेटिव, एब्सोल्यूट, स्टिकी और फिक्स हो गया। अब चलिए हम देखते हैं स्टैटिक, स्टैटिक, स्टैटिक में दे रहा हूं, ये रिमूव कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से काम करेगा जी। देखिए यहां पे स्टैटिक वैल्यू दिए हैं, ये पहले जिस पोजीशन में था उस पोजीशन में है, अगर हम इसे टॉप और लेफ्ट दे रहे हैं तो ये कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट नहीं हो रहा इसके लिए, ये इफेक्ट करेगा सिर्फ मार्जिन के ऊपर, मार्जिन, मार्जिन टॉप दे रहा हूं मैं, तो देखिए ये चेंज होगा मार्जिन टॉप के हिसाब से जी। ये है स्टैटिक, मतलब स्टैटिक ये डिफॉल्ट वैल्यू है, अगर आप स्टैटिक पोजीशन से नहीं भी दे रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू स्टैटिक होगी, मतलब पोजीशन नहीं देंगे तो मार्जिन से जिस तरह आप सेट करें उस तरह से ये सेट होगा। ये है स्टैटिक बाय डिफॉल्ट, इसके ऊपर टॉप लेफ्ट बॉटम राइट ये काम नहीं करेंगे। रिलेटिव, रिलेटिव काम करेगा, वो अपने डिवीजन के अंदर काम करेगा, एब्सोल्यूट होगा डिवीजन से बाहर आके वो बॉडी को पेज का टॉप और लेफ्ट कॉर्नर्स के हिसाब से वो काउंट कर लेगा। और एक स्टिकी होगा, वो एक जगह हम रहेगा, पेज जैसे चेंज होते ही अपने आप वो भी चेंज होगा, जैसे ही टॉप पोजीशन पे जाते ही वो रुक जाएगा और आगे नहीं जाएगा। ये है स्टिकी जी। ये वैल्यूज थे पोजीशन रिलेटेड। अब इसके अंदर मैं एक और वैल्यू आपको इसी के अंदर समझा रहा हूँ, अगर आपको समझ भी ना आए तो
तो घबराने कोई बात नहीं, अगले वीडियोस में ये आपको पता चल जाएगा। देखिए मैं इसके लिए एब्सोल्यूट यूज कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट के साथ हम मार्जिन यूज नहीं कर सकते, तो आप लेफ्ट राइट यूज कर। देखिए अभी से रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये एब्सोल्यूट वैल्यू 300, यहाँ के हिसाब से 300, इसके हिसाब से 200 ये लिया है, ये है एब्सोल्यूट। अब देखिए इसका जो पेरेंट है, ये डेमो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोड के अंदर, ये डेमो का जो पेरेंट है ये डिवीजन है, डिवीजन प्यारा, प्यारा क्लास नेम मैंने दिया है, उसकी वैल्यू मैं दे रहा हूं रिलेटिव पोजीशन, पोजीशन ये दे रहे हैं रिलेटिव, रिलेटिव अब दे रहे हैं। तो अब देखिए आप देख सकते हैं, मैं इसे रिफ्रेश करते ही इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, रिफ्रेश करते ही चेंज हो गई, क्योंकि अब ये लेगा, अगर इसका पेरेंट रिलेटिव होगा तो ये समझेगा, बॉडी को अपना पेरेंट नहीं समझेगा, जिस इसके पेरेंट का, जिस पेरेंट को हम रिलेटिव दिए हैं उसे वो अपना रिलेटिव समझेगा, उसके हिसाब से काम करेगा। बॉर्डर डाल के मैं आपको बताता हूं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, इसे रिफ्रेश कर रहे हैं, देखिए बॉर्डर के हिसाब से लेफ्ट, लेफ्ट नहीं मैं राइट देता हूं, इसे राइट में हम रखेंगे, राइट 0 दे रहा हूं मैं, अभी ये रिलेटिव हटा रहा हूं, तो पहले आप ये चेक कर लीजिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट दिया है तो राइट 0 दिया है, तो राइट 0 मतलब बॉडी का राइट ये लेगा, बॉडी का राइट ये अपना समझेगा, पेरेंट है वहां से लेगा। अगर मैंने इसका पेरेंट टैग है, पेरेंट डिवीजन उसे हमने दिए रिलेटिव, रिलेटिव सेम यहाँ पे मैंने राइट 0 ही दिया है, अब रिफ्रेश करते ही अब ये आ जाएगा, इसका पेरेंट जिसे हम रिलेटिव दिए हैं उसका एंड होगा राइट, यहाँ पे होगा तो यहां से वो ले लेगा, देखिए यहां से वो ले लिया। टॉप के हिसाब से भी हमने टॉप दिए थे, उसके हिसाब से इसे अपना टॉप समझेगा, अगर पेरेंट रिलेटिव नहीं है तो बॉडी को अपना टॉप समझेगा। जी देखिए ये भी मैं आपको बॉडी की वैल्यू भी 0 दे के बताता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, टॉप वैल्यू 0 दे रहा हूँ। अब देखिए टॉप, टॉप भी 0 है और यहाँ पे राइट भी 0 है, ये कब, हमने इसके पेरेंट को रिलेटिव दिया है, अगर इस रिलेटिव को हम निकाल देंगे, रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू, ये पेज का जो टॉप है राइट है उसे अपना पेरेंट ले लेगा। हाँ ये है एब्सोल्यूट रिलेटिव प्रॉपर्टीज किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। जी अब फिर से एक बार मैंने इसके बारे में आपको जस्ट रिवाइज कर देता हूँ, पोजीशन प्रॉपर्टी हम पोजीशन सेट करते हैं, इसके वैल्यूज एक स्टैटिक है, एब्सोल्यूट फिक्स रिलेटिव स्टिकी, इसके बारे में हम जाने। स्टैटिक ये डिफॉल्ट वैल्यू है, मतलब अगर हम कुछ भी वैल्यू नहीं देंगे, पोजीशन नहीं दे रहे तो डिफॉल्ट स्टैटिक ही होगा, ये काम करेगा मार्जिन के साथ, मार्जिन जिस तरह देंगे वैसे काम करेगा। उसके बाद एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट का मतलब वो अपने पेरेंट को जिस भी, जिस कौन से भी वो HTML टैग के अंदर होगा, लेकिन वो समझेगा बॉडी का, बॉडी को अपना पेरेंट समझेगा, वहां से उसका टॉप लेफ्ट राइट बॉटम वो मेजर करेगा। और नेक्स्ट फिक्स्ड मतलब होगा हम जो वैल्यू हम दे रहे हैं वहां पे फिक्स हो जाएगा, वो पेज हम चाहे ऊपर नीचे करें वो चेंज नहीं होगा, उसी पोजीशन पे रहेगा वो। उसके बाद रिलेटिव है, रिलेटिव का मतलब होगा वो अपने डिवीजन के अंदर ही टॉप लेफ्ट राइट बॉटम ले लेगा, वो वहां पे चेंज होगा। और स्टिकी का मतलब है, स्टिकी और फिक्स दोनों सेम है, एक डिफरेंस है, स्टिकी हम दे रहे हैं तो अगर पेज को ऊपर करेंगे तो पेज के साथ ये भी ऊपर जाएगा, जैसे ही बॉडी का जो टॉप पोजीशन पे पहुंचेगा तो वहां पे फिक्स हो जाएगा और ऊपर नहीं जाएगा। ये थे CSS प्रॉपर्टीज के बारे में, अगर आपको इसके अंदर किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप कमेंट के अंदर जरूर बताइए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।